इलेक्शन 2024 के लिए लाहौर में कौमी असम्बली के इंतखाबी हल्का NA-130 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,08,318 है। इनमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,23,100 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,85,218 है। ये इंतखाबी हल्का सिटी तहसील के इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हल्का में सांदा रोड, पुरानी अनारकली, जैन मंदिर, मस्जिद शोहदा, क्वींस रोड, राजगढ़, संत नगर, इस्लामपुरा, लोअर माल, रेटिगन रोड के अलावा दीगर इलाके शामिल हैं। NA-130 के कई इलाके 2018 के आम इंतखाबात में इंतखाबी हल्का NA-125 पर मुश्तमिल थे। तब यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,85,624 थी। इलेक्शन 2018 को पोलिंग वाले दिन यहाँ 2,54,348 वोट डाले गए और टर्नआउट 52% रहा था। मर्द वोटर्स का टर्नआउट तकरीबन 57% और खवातीन वोटर्स का तकरीबन 46% था। 2018 के इलेक्शंस में इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के वहीद आलम खान डाले गए वोटों के 48.8% वोट लेकर कामयाब रहे थे। इनके मद्देमुकाबिल तहरीक-ए-इंसाफ की यास्मिन राशिद ने 42% वोट लिए थे।